हमने एरिया वेक्टर पढ़ लिया है ना, एरिया वेक्टर को निकालना भी सीख लिया। अब भाई एक डाउट होता है, इज एरिया ए वेक्टर? तो क्या एरिया वेक्टर होता है? अभी अभी हमने एरिया वेक्टर पढ़ा ना, तो इसका मतलब क्या फिर एरिया वेक्टर होता है क्या? फिर क्या पढ़ा हमने, जो अभी पढ़ा वो क्या था? अगर एरिया वेक्टर नहीं होता तो जो अभी पढ़ा फिर वो क्या था बोलो? एरिया वेक्टर है या नहीं ये बताओ पहले, तो है देखो, तो रीजन के साथ बोलो हाँ या ना का कोई नहीं है, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी तो करो रीजन के साथ, कुछ एक्सप्लेनेशन दो साथ में कि भाई इसलिए है या फिर इसलिए नहीं है। अच्छा कैसे, ये कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ वेक्टर है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं? लॉ ऑफ एडिशन, वो चीज़ किस तरह से ऐड होती है ना। स्केलर्स के पास भी डायरेक्शन हो सकता है ना, स्केलर के नहीं हो सकता डायरेक्शन, नहीं हो सकता क्या? क्यों? मैं 5 किलोमीटर चला इस तरह से इस डायरेक्शन में, क्या दिक्कत है? अरे होता है, इट हैज़ करंट के पास डायरेक्शन नहीं होता क्या? वायर इस तरह से जा रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो स्केलर के पास डायरेक्शन हो सकता है ना। तो कोई चीज़ वेक्टर है या स्केलर, ये हमको किस तरह से पता चलता है? वो किस तरह से ऐड होती है। अगर कोई चीज़ एल्जेब्रिकली ऐड होती है, एल्जेब्रिकली मतलब जो तुमने बचपन में पढ़ा था, जो एडिशन है ना, 2+2 4, 4+4 8 और ये सब है ना, अगर इस तरह से ऐड होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। और जो चीज़ ये वाला एडिशन फॉलो नहीं करती, इंडीड वो पाइथागोरस वाला करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। सीधा सा है ना, उसको हम वेक्टर एडिशन एक नाम दे रखा है। और कई चीज़ होती हैं जो ये दोनों को भी फॉलो नहीं करती, फिर वो टेंसर्स के हायर रैंक्स के टेंसर हो जाते हैं ना, वो खैर हमारे लिए नहीं है। पर तो फिर अब सोचो, एरिया एल्जेब्रिकली ऐड होता है या नहीं होता, पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है। अब ये पूछा गया है ना कि ये वेक्टर है या नहीं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेक्टर, किसी चीज़ को वेक्टर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, तो ये तुमको अब पता है। तो अब बताओ एरिया वेक्टर है या नहीं है, एरिया किस तरह से ऐड होता है बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कीवर्ड ले लेते, जो कीवर्ड अभी लिया था उसको ही ले लेते, फिर से ले लेते ना, इसका ये ए बी और ये लेंथ सी है, बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? क्या करेंगे भाई, इसको ऐड करेंगे, इसका एरिया कितना है? जैसे इसका एरिया हो गया तुम्हारा बी सी है ना, इसका एरिया कितना हो गया? इसका भी बी सी हो गया, इसका ए सी हो गया, इसका भी ए सी हो गया, इसका ए बी हो गया, और इधर जो है इसका भी ए बी हो गया है ना, 6 सरफेस के हो गए। तो इनको वेक्टोरली ऐड करेंगे क्या? ये फिर बी सी इस डायरेक्शन में, बी सी इस डायरेक्शन में कैंसिल हो गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में कैंसिल, तो टोटल सरफेस एरिया 0 है क्या इस क्यूब का, क्यूबॉइड का? नहीं है ना। कितना है टोटल सरफेस एरिया भाई? एरिया तो सब समझते हैं क्या चीज़ होती है, इसका ये आंसर सही है गलत ही बताओ। तो वो नॉर्मली ऐड हो रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं अलग अलग डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो रहा है एरिया। तो एरिया हमारा किस तरह से ऐड हो रहा है? एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली है ना। तो फिर क्या हुआ ये एरिया, क्या वेक्टर है? नहीं, एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अच्छा ये क्लियर है यानी पहले जो भी बोला है ना, अगर ये 10 मीटर स्क्वायर की वॉल है, ये भी 10 मीटर स्क्वायर की है, तो क्या इन दोनों का टोटल एरिया 10√2 है? 20 मीटर स्क्वायर हुआ ना, ऐसा थोड़ी ना कि इधर ये 10, ये 10, 10√2, नहीं ऐसा नहीं करते ना, 20। तो सीधा सा है भाई कि एरिया तुम्हारा क्या है? स्केलर, एरिया वेक्टर नहीं है। फिर अब क्वेश्चन उठता है, फिर अभी अभी क्या पढ़ा, अभी अभी पढ़ा दिया एरिया वेक्टर, फिर बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर नहीं है, बताओ भाई। तो ये क्लैरिटी ज़रूरी है। अब क्या होता है ना, कई बार चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और छोटे से लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ही बहुत बड़े बड़े डाउट्स क्रिएट कर देती है। अब एरिया वेक्टर को थोड़ी देर के लिए तुम कुछ एक्स वेक्टर बोल दो, मान लो मैंने तुम अभी एक्स वेक्टर पढ़ा है, एक्स वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन क्या होता है? उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, एरिया वेक्टर नहीं है, एक हमने वेक्टर पढ़ा जिसका नाम है एक्स वेक्टर, उस वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि उसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया होता है और डायरेक्शन क्या होता है एरिया के, समझ में आ गया। और उसको निकालना भी हमने सीखा। अब दिक्कत ये हो गई कि उस एक्स को लोग क्या बोलने लगे,
एरिया, और उसने सारा डाउट क्रिएट कर दिया। तो बस वो समझ लो, वो एरिया वेक्टर हम जो बोल रहे हैं, बस वो एक नए तरह का कोई वेक्टर है, नई फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई? जिसका जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर। अगर हम उसको एक्स वेक्टर बोलते ना तो कोई दिक्कत नहीं आती कभी, सबको क्लियर होता कि भाई एरिया स्केलर होता है। पर बस उस एक्स को तुमने एरिया बोल दिया, हमने उसको एरिया वेक्टर बोलने लगे, तो अब कई लोग सोचते हैं एरिया वेक्टर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और हमने अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन क्यों करी है, वो भी अपन आगे जाके देखेंगे ना। उसकी जरूरत बहुत जगह पड़ती है ना, फ्लूड में पड़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़ती है, यहाँ पर पड़ेगी। अभी किसी को डाउट है? क्लियर है? ठीक है।